की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का दो दिवसीय प्रवास आज भरतपुर दौरे पर रहेंगे। प्रभारी अरुण सिंह भरतपुर करौली के भाजपा पदाधिकारियों की वे बैठक लेंगे। गुरुवार को करौली जिले के संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी वे शामिल होंगे। तो बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह प्रदेश दौरे पर हैं और भरतपुर करौली में वे रहेंगे। वहां पर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। दो दिवसीय दौरा है उनका प्रदेश में और करौली और भरतपुर में तो इस दौरे पर रहेंगे। प्रदेश पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और बैठक भी लेंगे। तो बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह प्रदेश दौरे पर हैं और वे भरतपुर दौरे पर रहेंगे आज। वहां पर वो बैठक लेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, उनसे फीडबैक लेंगे क्या कुछ वहां पर चल रहा है। चलिए, हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, बात करें तो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह प्रदेश दौरे पर है, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है, कहाँ कहाँ वे जाएंगे? देखिए अमित, बीजेपी में अभी तमाम जो बड़े नेता हैं उनके संगठनात्मक प्रवास चल रहे हैं और इसी के तहत प्रदेश भाजपा प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह दो दिवसीय प्रवास पर राजस्थान पर आज पहुंचेंगे। भरतपुर और करौली जिले के वो प्रवास पर रहेंगे। आज भरतपुर जिले की जो संगठनात्मक बैठकें हैं वो लेंगे, तमाम पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और गत दिनों जो पार्टी की ओर से जो टास्क दिया गया था उसकी समीक्षा करेंगे और गुरुवार को करौली जिले के प्रवास पर रहेंगे, वहां की बैठकें लेंगे। क्योंकि बीजेपी में पिछले दिनों जो संगठन संरचना का काम चल रहा था वो लगभग अब पूरा हो चुका और बीजेपी अब कहीं ना कहीं जो विपक्ष की भूमिका है उसमें नजर आ रही है और तमाम जो अपने मोर्चे हैं, जो जिलों के संगठन है, उनको पूरा एक्टिव कर रही है और अब सरकार के खिलाफ बीजेपी एक मुखर विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। उसी को लेकर जो पार्टी के तमाम जो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो संगठन के प्रवास कर रहे हैं। सतीश पुनिया अभी दो दिन के प्रवास पर जाकर आए, तमाम जो बड़े सांसद हैं, मंत्री हैं, वो भी अपने प्रवास पर जा रहे हैं और उसी के तहत ये दो दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं और जो जिलों में जो गुटबाजी है, जो संगठन कहीं सक्रिय नहीं है, उन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा करेंगे और संगठन की जो जिलों की इकाइयां हैं उनको किस प्रकार से मुखर करें ताकि सरकार के खिलाफ जिलों में माहौल बनाया जा सके और पार्टी को मजबूत किया जा सके, इसी को लेकर ये उनका ये प्रवास रहेगा। दो दिवसीय प्रवास है और दो दिवसीय प्रवास के बाद करौली जिले की बैठक के बाद सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया पिंटू आपका। हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका हमें बता रहे थे कि संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होंगे, किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए संगठन स्तर पर, उसको लेकर वे कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे।